अमित आ नीचे दिखा दे नौजवान जिहड़े लभ रहे ने नदी के बढ़ के तो बड़ी कोशिश की जा रही है किस तरीके उस नौजवान को भी लभ सर कि कोशिश की जा रही कल भी टीम तुम बुलाइया से पर नौजवान जी लगे हुए हैं अज तक कुछ होंगे ठीक तुम दस दें अब तक कोशिश जा रही है एन डी आर पी की टीम आई है कल उन्होंने तो लोग नाराज ने कहने कि अगे अगे तो चैक करके चले गए उस तो पिछे किसी ने देखा एक इन्हों का नौजवानों का सवाल है कि ड्रोन राही की लभ्या जाए नौजवानों को जोड़े लापता है कि ड्रोन का कोई इंतजाम किया जा रहा है प्राइवेट ड्रोन जो अपने को जे हुण अज मिलदा नौजवानां तां इह ठीक है नहीं तो यह कल तक तो कीड़े मकौड़िया ने खत्म कर देना जी पानी च बॉडी आई तुहानूं पता क्योंकि जिहड़े दो नौजवान लेके असीं ऑलरेडी देखे उन्हां दी हालत बहुत खराब हुई भी है वो बीते दिन भारी बारिश ने तबाही मचा के रख दी पंजाब के अलग अलग जगह अलग अलग तरह दी खबरां निकल के आ रही ने दूजे पासे हिमाचल तो पानी जिहड़ा ज़्यादा न्यू चंडीगढ़ शिवालिक की पहाड़ियों के वहदा है नदियाँ भर के आदि ने उस पिछले साल भी लाशा हड़के आईया से पिंड इस साल भी बड़े हादसे वापरे ने जिसनों लैके 8 तरीक तो एक गड्डी लापता से जिदे 3 नौजवान से दसया जा रहा कि तोगा मलोआ नदी के नदी रुड़ती है तो उस तो बाद नौजवान लापता होंगे ने कल दो नौजवानों दाशा मिलदियां ने खरड़ की एक भागो मजर पिंड की एक नाल दोस्त से हिमाचल तो उन्नी साइड दसाया जा रहा पर अजे तक उस नौजवान की लाश नहीं मिली उन्ना तो उन्होंने परिवारक मैंबर पिंड वासी पिंड सरपंच साहब आए हुए ने लभण वास्ते तो सरपंच साहब केड़ा पिंड है उन्ने के नौजवान का की नाम से गुरप्रीत सिंह जी का नाँ है जी पिंड दुलैड़ है जी तो तहसील हरोली जिला उन्ना है थोनू कदों पता लग्या कि नौजवान लगा जी ये 8 तरीक नूं वैसे 8 बजे का कहिंदे गुम होया वा सानूं हुण वी पता लगा 10 तरीक नूं इहदा 10 तरीक नूं पता लगा फिर असीं 10 तरीक दे शाम दे इत्थे आ गए सवेर दे तो हुण असीं इत्थे भाल कर रहे हजे तक नहीं लिया दो बंदे जिहड़े सीगे ओह मिल गए उन्हां दा संस्कार भी हो गया चलो जिद्दां साडे जिहड़े सहयोगी पिंड आए ना आंढी गुआंढी ये साडा सहयोग दे रहे ने बाकी साडा प्रशासन वालों सानू कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा हाँ जी ये साढ़े यही कर रहे अपने रिश्तेदार है जिन्हों का मुंडा है तो बाकी आंढ़ी गुआढ़ी जिन्हें भी है जिन्होंने को मुंडा काम करता था वो सारे भाई साहब आए हुए हैं तो असं इन्ना कोशिश कर रहे लभ रहे मुंडे को ठीक है बिल्कुल सरपंच साहब भाई जी किमें देखते हो कि जोड़ा यह कल दो लाशा मिलदिया ने पूरा उन्हें चेहरे भी डरावने बन चुके से पानी ने इस तरीके का बुरा हाल कर दिया से तो यह नौजवान लभण वास्ते प्रशासन कितनी जिम्मेवारी निभा रहा है क्योंकि कल तो NDRF दी टीमें भी पहुँच गई देखो भाई जी मैं सब सच दसदा जी असी साडा एक रिलेट भी सीगा भागो माजरे का हरप्रीत सिंह 35-36 के करीब वो एज सी जो लागे मिले जी तो सानू तकरीबन 12 बजे के गेड़ मिले तो साढ़े सारे ही कुछ रिलेटिव हो गए चाचे ताया के लड़के पिंड के हो गए ठसके के पलेड़ी के असी 35-40 मुंडे हो गए थे असी आप लभ रहे थे उन्होंने उदों तक तो NDRF की कोई टीम उरे है नहीं सी जदों 12 बजे असी हरप्रीत सिंह उत्थों मिले तो दूजा लड़का मिले तो संस्कार वास्ते ले जाना पैना सीगा क्योंकि शरीर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी तो असी उत्थे चल गए उस बाद NDRF की टीम आई है वो भी फॉरमैलिटी वास्ते आई है जी थोड़ा मैं दसा क्योंकि ये मुंडे हिमाचल के उन्होंने रिलेटिव खड़े हैं तो उन्होंने घंटा कलाया होना तो वह कहें भी असी रोटी खा के आने भी लंच हो गया मुड़ के वेट कर रहे हैं जी कोई उन्होंने नहीं आया है इन्होंने होर मुंडे सदे थे मैनू भी मैं इन्हों का नंबर ले लिया पहला मैं फोन आया मैं क्या जी संस्कार करके हटे हैं तो 15-17 मुंडे लेके मैं आया तो तकरीबन 4 बजे तो लेकर 7:30 बजे फिर दिन छिप जाता जी दिखता नहीं है कुछ तो 7:30 बजे तक असं लगे रहे 8 बजे घरों घर गए हैं घर तो प्रशासन ने कोई इन्हों की मदद नहीं करी हूँ चक्कर की है ना जी कि किकर ने कंडे जाया नहीं आता कोई प्रशासन कोई ड्रोन वगैरह हो दो तीन कितने ड्रोन भेजन कि दिख जाए बॉडी या फेस क्योंकि एक यह तो हो गया भी उन्होंने मौत हो गई है दूजे दो लड़के वे गड्डी की हालत बहुत माड़ी मिली है हूँ घर के चाहते हैं कि साडा मुंडा सानू असीं उन्हें अग्नि भेंट कर सकी मिल जाए घर दे नूं सबर आजूगा जी नहीं माता पिता दुड़कों रही है भी साडा जवाक मिलिया नहीं है भी पता नहीं कित्थे गया हूँ इन्हां च सरपंच साहब भी आए हुए हैं ये एक ये गल कर रहे थे कल भी पता नहीं असं आउट ऑफ स्टेट हैं हिमाचल तो हैं भी साड़ी तां नहीं मदद हो रही पर इदा की कोई गल नहीं असं जिदा जिहड़े मदद इन्हां दी उरे भी कर रहे हैं ना लाग पास पिंडां तो ही नौजवान गभरू कर रहे हैं कोई उरे कोई भी प्रशासन का बंदा सवेर का कोई नहीं आया है अज भी अधिकारी किसी नाल जा SDM साहब नाल थोड़ी गलबात नहीं हुई भाई सी दफ्तर जाके आए ने जी जाके SHO साहब नाल गल हुई सी जी असीं गए थे मंडे नूं उहनां कोल गए सीगे कि साडे जो गुरप्रीत गुम होया वो गुमशुदा की रिपोर्ट लिखो भी वह मलोए के गायब होया जानी जी भी सानू नहीं पता वो गड्डी के बिच कितने तो असी नहीं देखे जी उन्हों तो वह कह रहे जी नहीं जी असी नहीं कर सकते साडा एरिया नहीं है तुसी खरड़ दे विच जाओ तो पंजाब के पुलिस वालों रिपोर्ट करो जाके साड़ी तो कोई रिपोर्ट भी नहीं हुई उस बच्चे की और असी सोमवार के भुखे भटके जिन्हें भी ये नौजवान साडा साथ दे रहे हैं और बेचारे साडा
प्रशासन ने साडे नाल कोई भी मदद नहीं करी। अच्छा हुण ड्रोन आ जाओ, ड्रोन वाली जिहड़ियां तुसीं बुलाई सी नौजवान, ये कौन ने, प्रशासन ने भेजे? नहीं प्रशासन नहीं जी, ये मैं खुद तो मुंडे नूं आप तो बुलाया, मां ब्रदर जो भी तेरा रेंट जिवें भी बनता है भी मैं पे करन नूं तैयार है, क्योंकि किसी माँ बाप नूं अपना पुत मिल जाए उन्हूं अगली पेंट कर सके साडे वास्ते उही, क्योंकि साडे भी साडे ब्रदर ने, भाई वांग ने सानूं, असीं आउट ऑफ स्टेट नहीं मानते हैगे, हजारां मुंडे उरे काम करदे ने। हुण पुलिस तां इहनां दा कसूर कढ दिंदी वी मीं मां कित्थे गए, हुण जिहड़ी तोगां कोलों इह नदी चलती है तो जब चंडीगढ़ पुलिस वाले उत्थे खड़ सकते हैं, बैरीकेटिंग कर सकते हैं, जदों पता है इन्हों भी पानी के हालात खराब, उत्तों पानी आ रहा ये उत्थे बैरीकेटिंग पुलिस वाले करके जाते गड्डी वाले भी देखते भी ज़्यादा पानी आना तो ही बैरीकेटिंग हुई भी है, ये वापस मुड़ते उदण तो ही जिदन 8 तरीक नूं रात में मिसिंग होए ना उदण तो ही बारिशा ज़्यादा स्टार्ट हुई, पहला पानी आ गया सीगा उत्तों, जे बैरीकेटिंग वगैरह उत्थे करी भी होंगी तो शायद इन्हां दी जान बच जाती, पर चलो हुण जो रब नूं मंजूर सीगा हो गया जी। हिमाचल दे विच इह नौजवान ब्याह होया सीगा कि बच्चे 25 साल दा जी, हाँ जी छोटा सी परिवार दे विच कौन कौन परिवार जी, एक भाई है जी एक भैन है। अच्छा फादर साहब है, मदर है नहीं है, मदर है नहीं, मदर फादर भी यानी कि मेरे दा देखो चलो इन्हां दी फैमिली दा बच्चा गया है ना ते इन्हां नूं काफी दुख लग्या है, जिहड़ा गगन जी दा फादर साहब ने उन्होंने कल अपने वल्लों पूरा जोर मारिया, पर ना अफसर भी सुनवाई करते हैं नीचे टीम आई ना कल जी टीम का नाम क्या कहने इंडिया रेफ, वो टीम ने बिल्कुल कुछ नहीं करया, देखो गगन दे फादर साहब ने कल पूरा जोर मारिया। देखो मैं ना तो आम आदमी पार्टी ने कोई लिंक रखता ना, जो गल जायज है वो करनी चाहिए है, गगन साहब जो फादर साहब आए थे कल उन्होंने पूरा जोर मारिया, उन्होंने पूरा अफसर औखे भाई होके बोलिया भी साढ़े बच्चे गैप ने मेहनत करो है ना, पर जेड़ा टीम आई थी ना बिल्कुल निकम्मी टीम थी, वो पानी च उतरी नहीं, फॉरमैलिटी करी उन्होंने, अज साढ़े सामने SDM साहब ने फोन करे उन्होंने तो उन्होंने ये गल कही है भी नहीं नहीं सर असी तो सारा घूम के आए जी सारा करके आए हैं ये गलत है जी, SDM साहब का काम है फोन करना उन्होंने कराया ते मंत्री दे फादर साहब का काम है नाल घूमना वो घूमे आ, पर जी टीम सी कि कलो टीम बड़ी निकम्मी सी, टीम दे बारे असी कार्रवाई कराना चाहते भी वो टीम ने कुछ नहीं करया, नंबर एक दिन नंबर दो जेड़ा एक झांपुर तो पुल है एक ऐसा निधा हादसे होंदे रहने, जो झांपुर पुल बने हुआ पुल है सिर्फ उन्होंने आप तैयार करा के चालू कराना, मतलब कि रेहड़ी है पुलों सिर्फ वह उद्घाटन होना, वह उद्घाटन साढ़े वालों गगन मान जी कर देन CM साहब तो करा देन, पर छेती छेती उद्घाटन करा के ताकि लोगों को राहत मिले। बिल्कुल यही बहुत बड़ी गल है कि झांपुर वाला पुल पिछली सरकार कांग्रेस समय नहीं पत्थर रखा गया, पूरी तैयारी तो है उद्घाटन के उत्ते आया होया, पर कुछ कमेटी दसया जा रहा उस जगह उत्ते बाकी है लाउणी, पर जिस तरीके परिवारक मैंबर के नाल दाल उन्होंने उन्ने तो आण के। अच्छा DC दफ्तर तुम जाके आए हो, कि आश्वासन दिता प्रशासन वालों कि साढ़े नौजवान लभण वास्ते? सर असी गए थे असी उन्होंने यही लिख के दिता है भाई साढ़े बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिल रही, 2 डेड बॉडियां कल मिल चुकी, लेकिन वह मिलियाँ कितना इन पिंड वाले ने इन मुंडिया ने जोड़े नौजवान मुंडे इस वे पुल से खड़े है इन्होंने ही साड़ी मदद की है, इतने कोई सरकारी गड्डी नहीं आई कोई मुलाजिम नहीं आया। तुसी किन्ने बजे आए सवेर दे? मैं तो सवेर दे हाँ, ज़्यादातर NDR जी टीम है उन्होंने साड़ी कोई मदद नहीं की, तो हुण सानू DC साहब के दफ्तर असी जाके आए, उन्होंने विश्वास दिता सानू कहते तुसी जाओ निश्चिंत रहो तुसी कुछ नहीं करना कार्रवाई होएगी, उन्होंने साढ़े बैठे SDM साहब नू भी फोन किया और SP साहब नू भी किया। नौजवान जिहड़े लभ रहे ने नदी दे विच वड़ के बड़ी कोशिश की जा रही है किस तरीके उस नौजवान भी लभ्या जाए, क्योंकि कल तो कोशिशां जारी ने, पर जिस तरीके पानी दे विच ते नाल किनारियों दे उत्ते लभण की कोशिश की ड्रोन राही भी जिहड़ा इन्हां वल्लों दस्सिया गया ड्रोन राही भी कुछ उन्ना साइड तो सैर के उन्ना हिमाचल तो यह नौजवान से जो कि तुम देख दो कि विचकार जो नौजवान है तैरता नजर आ रहा है पानी तो खेतों के भी लभण की कोशिश की, क्योंकि पानी ने काफ़ी मार की है काफ़ी खेतों के तक जो पानी पहुँचे है, तो इसको किनारियों के उत्ते ज़्यादातर चैक किया जा रहा है, क्योंकि लगातार जी पुलिस की टीम है हूँ जब पहुंची है उन्होंने भी गलबात करा कि जिस तरीके कोशिश तो सारी करते हैं, क्योंकि दुख की घड़ी जिते परिवार के उत्ते है तो इलाके उत्ते भी भरा सोग की लहर है जिस तरीके कोशिशें की जा रही, तुम देखो कि वह नौजवान है जिस तरीके उन्होंने वालों भी लभण की कोशिश की जा रही है कि इस कितना कितने नौजवान मिल सके उसका संस्कार तो हो सके, इस लैके पुलिस मुलाजम भी जो उन्होंने भी गलबात करते हैं कि प्रशासन अगे की कर रहा है। तो
ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੱਲ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਪੌਲੀ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਐਨਡੀਆਰਪੀ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਪਤਾ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਥਾਣੇ ਬਲੌਂਗੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਡਰੋਨ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹ ਚਲੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਹਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਲ ਤਾਂ ਆਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਵਾ ਐਨਡੀਆਰ ਦੀ ਟੀਮ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਆਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਚਲਾਉਂਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮਿਲਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੋਡੀ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਲਾਸਟ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ 19 ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੜ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਾਪੂਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਹੁਣ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡਰਾਵਣੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ